जीवन में एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे शरीर को लेके हो, अपने लक्ष्य को लेके हो, अपनी तैयारी को लेके हो, या फिर जीवन के कोई भी पहलू हो, उसमें एक लिमिट का होना बहुत आवश्यक है। चाहे बात अगर रिश्तों की भी हो, वहाँ पर भी लिमिट होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज़ को एक नियमित संयम के साथ करेंगे, एक निश्चित सीमा तक करेंगे, तो सफलता की दर ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी चर्चा मध्य प्रदेश के जनजातियों के एमसीक्यू सीरीज़ पर हो रही थी और इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे और एक सिलेबस के एक नए बिंदु पर हमारी चर्चा आज होगी और वो बिंदु है मध्य प्रदेश के जनजातियों के संबंध में जो संग्रहालय हैं, संस्थान हैं और प्रकाशन हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश में, तो हमको ये यहाँ समझना पड़ेगा कि हमको मुख्य रूप से प्राथमिकता किसको देनी है, जो मध्य प्रदेश के संस्थान है, फिर चाहे वो विभाग की बात हो, फिर चाहे कोई कॉलेज की बात हो, फिर कोई चाहे कोई संग्रहालय की बात हो, या कोई अन्य संस्था जो मुख्य रूप से किसके संबंध में काम कर रही है, जनजातियों के कल्याण के संबंध में काम कर रही है। अब वो आवासीय विद्यालय भी हो सकता है, छात्रावास भी हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, योजनाएं जिसके माध्यम से संचालित हो रही हैं, वो विभाग हो सकता है। उन सब मुद्दों को हमको ध्यान रखना है। साथ ही अगर प्रकाशन की बात करें तो विभिन्न जो प्रकाशन होते हैं जनजातियों के संबंध में, जो उनके शब्दकोश है, जो उनके व्याकरण है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी कलाएं हैं, उनको व्यवस्थित रूप देने के लिए जैसे अलग अलग प्रकाशन दिए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा लिखिंद्रा आर्ट का, लिखिंद्रा उनको कहा जाता है जो मुख्य रूप से कौन सी पेंटिंग करते हैं, भील पेंटिंगकार को। भील पेंटिंग जो होती है उनको क्या कहा जाता है, तो वो चित्रकारों को क्या कहा जाता है, लिखिंद्रा कहा जाता है। तो लिखिंद्रा प्रकाशन भी एक संबंधित चीज़ हो जाती है, प्रकाशन से संबंधित। तो इन्हीं आधार पे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन पे कैसे पीएससी कुछ परीक्षाओं में इसके पहले प्रश्न पूछा भी है, उन सब बिंदुओं पर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था की स्थापना कब हुई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1954, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1965, ऑप्शन सी 10 सितंबर 2008, या ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1954। तो इसका सही जवाब होगा 20 अप्रैल 1954। देखिए अगर इस संस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश आदिम जात अनुसंधान एवं विकास संस्था, 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में होती है। कहाँ पर, छिंदवाड़ा में। लेकिन 10 अप्रैल 1965 को इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ, भोपाल में। तो अगर पूछ ले कि वर्तमान में मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ पर स्थापित है, तो स्थान कौन सा होगा, भोपाल। लेकिन अगर पूछ ले कि मूल रूप से कहाँ स्थापित थी, कहाँ पर मूल रूप से सबसे पहले 20 अप्रैल 1954 को कहाँ स्थापित हुई थी, तो वो सही जवाब उसका क्या हो जाता, छिंदवाड़ा हो जाता। ऐसे कई बार कई सारी चीज़ों को लेकर परिवर्तन हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यही जो संस्था है वो सितंबर 2008 को, 10 सितंबर तो नहीं पर सितंबर 2008 में, डेट एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है मुझे अभी, लेकिन सितंबर 2008 में ये जो संस्था है ये मुख्य रूप से एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी के रूप में जो जनजातियों के कल्याण के लिए जो भी कार्य होंगे, शोध अनुसंधान के लिए, जनजाति शोध अनुसंधान के लिए जो भी काम होंगे, उसके लिए ये एजेंसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था के बारे में। तो देखिए जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान, जनजातियों संबंधित संस्थान, तो ये लग रहा है ना आपको जनजातियों संबंधित संस्थान, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 244 एक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239 ए, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 239 ए। तो जनजातीय सलाहकार परिषद की अगर बात करें तो इसका इसकी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल के सलाह पे। अब इसकी खासियत क्या होती है कि अनुसूची 5 के आधार पे, अनुसूची जो 5 है भारतीय संविधान की अनुसूची 5 है
उसके तहत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको कमेंट में बताना है यह अनुच्छेद कौन सा होगा। आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए इसके उत्तर पर आते हैं और इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 244(1). अगर आपको ध्यान ना आए, अगर आप चाहें कि मुझे नहीं याद आ रहा है कौन सा अनुच्छेद होगा, तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर 239(a)(a) और 239(a) की बात करें तो ये मुख्य रूप से किसके संबंध में प्रशासन की बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की बात करते हैं। 239(a)(a) जो है ये दिल्ली NCR के बारे में बात करता है, दिल्ली NCR के प्रशासन के बारे में बात करता है, जिसे 69th अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 239(a) जोड़ा गया था। और 239 जो ए है ये मुख्य रूप से पुदुचेरी के संबंध में काम बात करता है। पांडिचेरी आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर क्या पाई जाती है, विधानसभा पाई जाती है। तो वहाँ के प्रशासन की बात कौन करता है, 239(a). 243(d) के बारे में आपको पता है कि पंचायतों में SC ST और जहाँ पर राज्य सरकार उचित समझे OBC के लिए क्या कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। और इसी अनुच्छेद को आधार बना करके वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण दे रही है, किसमें, पंचायतों में। महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दे रही है पंचायतों में, 50%। तो ये बात हो गई इन पूरे अनुच्छेदों को लेके, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 244(1). अगले प्रश्न में आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एक निकाय है। आपको बताना है कि यह कैसा निकाय है, संवैधानिक है कि वैधानिक है कि संविधानेतर है या अर्धशासकीय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, वैधानिक निकाय। क्यों हो जाएगा वैधानिक निकाय, जबकि केंद्रीय अगर अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए तो उसको क्या कहा जाता है, संवैधानिक आयोग कहा जाता है। उसके पीछे रीजन है कि जब 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसके माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है 338A, और 338A के तहत प्रावधान किया गया किसका, भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब बताइए किसी चीज़ का अगर उल्लेख संविधान में है तो कैसा निकाय हो जाएगा, संवैधानिक निकाय। किसी चीज़ का उल्लेख, किसी जो संस्था है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, उसका उल्लेख कहाँ है, किसी कानून में है। जैसे आपने सुना होगा NHRC, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब बताइए कि मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या कहीं पर आपको मिलता है संविधान में उल्लेख, नहीं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत मिलता है, 1993 के अधिनियम के तहत मिलता है। इसी प्रकार आपने महिला आयोग का नाम सुना होगा, बाल संरक्षण आयोग का नाम सुना होगा, सबका उल्लेख कहाँ मिलता है, किसी कानून के तहत मिलता है। तो ये जितने भी निकाय होंगे वो क्या कहलाएंगे, वैधानिक निकाय कहलाएंगे। और एक कुछ ऐसे निकाय होते हैं जिनका ना तो किसी कानून में उल्लेख होता है और ना ही किसी संविधान के अंदर उल्लेख होता है। तो ऐसे निकाय क्या कहले जाएंगे, गैर संवैधानिक या संविधानेतर। संविधानेतर मतलब इनका ना उल्लेख आपके किसी विधान में है ना ही संविधान में। और ऐसा उदाहरण आपको मिलता है कहाँ देखने में, नीति आयोग में इस प्रकार का उदाहरण देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये बात हो गई किसके संबंध में, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में। तो किस प्रकार का निकाय है, वैधानिक निकाय है। कब गठित हुआ था, मध्य प्रदेश जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो स्थापित हुआ था 29 जून 1995 में। 3 सदस्य निकाय होता है, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, जिनमें से 2 सदस्य को का ST वर्ग से होना क्या होता है, जरूरी होता है। जो इसका अध्यक्ष होगा वो ST वर्ग से ही संबंध रखेगा। तो ये इतनी सारी बातें किसके विषय में हो गई, अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कम से कम कितने सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंध रखना चाहिए। तो मैंने बताया जैसा कि इसमें 3 सदस्य होते हैं, 1+2। अब एक अध्यक्ष तो क्या होगा, आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित होगा ही, तो एक अध्यक्ष हो गया प्लस एक
दो में से एक सदस्य होंगे, तो टोटल दो लोग कैसे होने चाहिए जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1995, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1954, ऑप्शन सी 20 मार्च 1980 या ऑप्शन डी 9 जनवरी 1984। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की अगर बात करें तो इसका गठन मुख्य रूप से जो जनजाति वर्ग के लोग होते हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के तहत इसका गठन किया गया था। और एक कैसा निकाय है? एक गैर सरकारी एनजीओ है, मतलब ये किसी लाभ के पद के लिए इसका गठन नहीं किया गया है। धारा 25 में ये उल्लेख मिलता है कंपनी अधिनियम के कि किसी संगठन का गठन इस प्रकार करना जो लाभ के लिए काम ना करे, तो लाभ के लिए कौन काम नहीं करता है? एनजीओ नहीं करता है। तो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के तहत की गई। अब जब स्थापना की गई एक्ट के तहत तो इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो 1 अप्रैल 1995 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1995। इसका कार्य क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी जनजाति वर्ग से संबंधित योजनाएं होगी उसके संबंध में सुझाव देना, अगर किसी प्रकार की आर्थिक जरूरत है उनके लिए तो आर्थिक जरूरत उपलब्ध कराना, ताकि इनका क्या हो सके? विकास हो सके। अगला है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट का गठन किसके तहत किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपनी एक्ट 1956 के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत, या ऑप्शन सी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, या ऑप्शन डी आदिम जाति कल्याण विभाग। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कई सारे लोग आप में से इसके बारे में जानते होंगे मैपसेट के बारे में, कि जब भी किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे होते हैं और आपको छात्रवृत्ति चाहिए होती है, चाहे आप एससी वर्ग से हो, एसटी वर्ग से हो या ओबीसी वर्ग से हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहाँ पर? एक साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो साइट का नाम क्या होता है? मैप सेट। अगर आप तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं, आप स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कौशल प्राप्त करने के लिए कुछ सहायता लेना चाहते हैं, तो इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो यही बात हुई है कि हम तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन आपको बताना है कि ये जो पूरी संस्था है, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के तहत किया जाता है? क्योंकि कोई भी संस्था बनेगी वो किसी न किसी अधिनियम के तहत, जैसे अभी मैंने बात की कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम किसके तहत गठित की गई थी, तो हमारा उत्तर था वहाँ पर कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इसी प्रकार आपको बताना है कि जो मैप सेट है वो कौन से एक्ट के तहत रजिस्ट्री की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973। एक एनजीओ के बाद ये भी काम करता है, नॉन प्रॉफिटेबल ये जो संस्था है यह मुख्य रूप से सरकार के अधीन रह के काम करती है। पहले इसमें केवल एससी समुदाय के बच्चों को जोड़ा गया था, बाद में इसमें एसटी को भी जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद आगे चल के ओबीसी को भी शामिल कर लिया जाता है। और आज ये मुख्य रूप से कॉलेज स्तर पे और जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, उन पर ये जो साइट है वो योगदान दे रही है। अगला है, ग्लोबल स्किल पार्क गठन किसके सहयोग से किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, ग्लोबल स्किल पार्क की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। इसके नवीन नाम के बात करें तो संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। और अगर बात करें इसकी खास बात, तो इसमें प्रति जो चरण होगा, जो प्रति आपका बैच होगा, बैच में 10,000 लोगों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा 10,000 लोगों का एक बार में। जिससे क्या हुए कि एक ऐसे कुशल मानव संसाधन का विकास हो सके मध्य प्रदेश में जो राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ साथ
जो भारत की विकसित भारत संकल्पना है 2047 तक भारत को विकसित करने की संकल्पना है उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। तो अब आपको बताना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो किस किस के सहयोग से हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ADB ने तो अपनी आर्थिक सहायता दी थी, ऋण के रूप में सहायता दी थी, सिंगापुर सरकार से हमको सहायता मिली, साथ ही मध्य प्रदेश में चूंकि ये स्थापित है तो मध्य प्रदेश सरकार भी आगे रह के इसमें काम की। अब देखिए ग्लोबल स्किल पार्क है तो आपको इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल उन्नयन दिया जाएगा, वो इंटरनेशनल लेवल पर जैसी डिमांड होगी वैसे प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ बात हो गई किसके बारे में, ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में। इनका इसका भी नवीन नाम क्या है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी कहाँ पर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी खजुराहो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। देखिए आपको जब PSC इस प्रकार के प्रश्न पूछती है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो भोपाल लगा दीजिए, क्योंकि PSC ज़्यादा घुमाता नहीं है प्रश्नों को। वो जो पूछना चाहता है ना वो सीधा पूछेगा कि बताओ क्या है, और भोपाल बहुत ज़्यादा चांस होते हैं भोपाल उत्तर होगा। तो मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। अब अगर इस सोसाइटी की बात की जाए कि इस काम क्या करती है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर के मतलब जो जनजाति है उसके कल्याण के लिए काम करेगी। तो उसके कल्याण के काम करने वाली ये सोसाइटी कहाँ पर स्थापित है, भोपाल में। मुख्य रूप से जो हमारा जनजाति कार्य विभाग है उसके अधीन रह के कार्य करती है, और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो जनजाति प्राधिकरण हैं उनके साथ मिलके ये अपने आप को अपने कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी खजुराहो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। आदिवासी लोक कला परिषद की अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा कि विभिन्न जो जनजाति समारोह होते हैं उनका आयोजन किया जाता है, संस्कृति विभाग करती है, लेकिन संस्कृति विभाग किसके अधीन रह के मतलब किसके अंतर्गत रह के काम कर मतलब संस्कृति विभाग के अंतर्गत कौन रह के काम करता है, जो उस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करता है वो होता है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। चाहे तुलसी सम्मान की बात हो या फिर रंगारंग प्रोग्राम की बात हो जो भोपाल में होता है, लोक रंग प्रोग्राम की बात हो जो भोपाल में होता है, उन सबका आयोजन कौन करवाता है, आदिवासी लोक कला परिषद। जैसे लिखिंदरा का आयोजन, जो लिखिंदरा आर्ट होता है उसका आयोजन भी कौन करवाता है, लिखिंदरा आर्ट, इसका आयोजन भी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, चौमासा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। तो चौमासा पत्रिका मुख्य रूप से एक प्रकाशन है जो जनजातियों के संबंध में निकाला जाता है, और ऐसी खास बात क्या होती है कि जनजातियों के संबंध में जितनी भी योजनाएं चल रही होती हैं, जनजातियों के संबंध में सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, या फिर कोई जनजाति जो बहुत पिछड़ी अवस्था में थी और उठकर अभी क्या आ गई है मुख्य धारा की ओर काम करने लगी है, या फिर कोई जनजाति व्यक्ति इस प्रकार से अपने कार्य किए हैं कि वैश्विक स्तर पर उसको ख्याति मिली है, तो इस चौमासा पत्रिका के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न है कि इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। और जो चौमासा पत्रिका है इसके संपादन में न केवल इस संस्था का योगदान होता है बल्कि एक इसके साथ और सहयोगी संस्था होती है जिसका नाम आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय जो है और मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद है, ये दोनों मिलकर चौमासा पत्रिका का संपादन करते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
1987, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। आदिवासी लोक कला परिषद के बारे में मैंने इतनी सारी बात बता दी, आप कमेंट में इस चीज़ का उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन जल्दी से 11 नंबर के क्वेश्चन 11 का आप कमेंट में कैसे देंगे, 11 का ए बी सी डी जो भी होगा, ए बी सी डी आपका ऐसे ही कमेंट में बताना है इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर आप लोग खोजते रहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन डी 1967। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1964। कई स्थान पे आपको 1965 देखने को मिलेगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग था 1964 में इसका नाम मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग था, लेकिन 1965 में इसका नाम आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग रख दिया गया। कब? 1965 में। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। अगर पूछा है कि आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, उत्तर होगा 1964। कहाँ पर हुई थी? भोपाल में। इसका प्रमुख कौन होता है? जनजाति मंत्री। जनजाति मंत्री होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, आदिवासी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष कौन होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी जनजाति मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। देखिए, जो आदिवासी प्रकोष्ठ होता है ये मुख्य रूप से आपके राज्य स्तर पर एक ऐसा निकाय होता है जो जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है। अभी इसका गठन क्यों किया गया? क्योंकि हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि जनजातियों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाया जाए और भी अलग रूप से एक कदम उठाया जाए। तो इसको अर्जुन सिंह जब क्या थे, हमारे यहाँ सीएम थे, सीएम कौन था? अर्जुन सिंह। 1984 की बात है, उस टाइम पे इसके आदिवासी प्रकोष्ठ का हमारे मध्य प्रदेश में गठन किया गया। अगर बात की जाए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होता है? जनजाति या विधि मंत्री, विधि मंत्री भी हो सकता है या जनजाति मंत्री भी हो सकता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। किसके निर्देश से इसका गठन किया गया था? अगर प्रश्न पूछ ले किसके निर्देश से इसका गठन किया गया था, तो हाई कोर्ट के निर्देश से इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित की गई। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2007 अमरकंटक, ऑप्शन बी 2008 अमरकंटक, ऑप्शन सी 2009 शहडोल या ऑप्शन डी 2008 जबलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2008 अमरकंटक। देखिए, जो ये विश्वविद्यालय है, इसको विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत, विश्वविद्यालय एक्ट 2007 के तहत 2008 में गठित किया गया था। कहाँ पर गठित किया गया था? अमरकंटक में। और जब यह विद्यालय गठित किया गया था, विश्वविद्यालय गठित किया गया था, तो पूरे भारत में यह अपने जैसा पहला विश्वविद्यालय था, भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो किस हेतु काम कर रहा था? जनजातियों की शिक्षा के लिए काम करने के लिए मुख्य रूप से गठित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना मूल रूप से कहाँ की गई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। देखिए, मूल रूप से कहाँ पर स्थापना हुई थी? 1977 में, 1977 में दिल्ली में किसकी? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना की गई। लेकिन कालांतर में ये हुआ कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, इतने सारे कार्यालय हो गए, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भी हो गया, तो जगह की होने लगी क्या कमी। तो अब ये सोचा कि इसको कहाँ स्थापित किया जाए। तो पहले तो भारत के
मूल क्षेत्र में, राजधानी क्षेत्र में था, लेकिन अब कहा कि अब कहाँ स्थापित किया जाए, तो कहा कि ये जनजाति जो है हमारी मानव सभ्यता के पूरे इतिहास का वर्णन करती है, ये जो संग्रहालय है मानव की उत्पत्ति का, उनके विकास क्रम की पूरी व्याख्या करती है, इसलिए इसको भारत के दिल में स्थापित किया जाना चाहिए। और भारत का दिल क्या है? भोपाल। तो 1979 में ऐसी घोषणा की जाती है इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, भोपाल में स्थापित किया जाएगा। और 1985 में इसको क्या कर दिया जाता है, भोपाल में स्थापित कर दिया जा सकता है, किया जाता है। और आज मध्य प्रदेश में केंद्रीय स्तर के 3 संग्रहालय देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो यही हो गया इंदिरा गांधी संग्रहालय जो केंद्रीय नियंत्रण में है, दूसरा केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, इसमें मुख्य रूप से जो यूरोपीय स्थापत्य, यूरोपीय संस्कृत के जो तत्व हैं उनको संग्रहित किया गया था। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और 1929 में इसका नाम बदल करके केंद्रीय संग्रहालय कर दिया गया था। कहाँ पर स्थापित है? इंदौर में। इंदौर से अगर कोई व्यक्ति जाता होगा तो जू के बगल में, जो इंदौर जू है उसके बगल में ये स्थापित है। और तीसरे नंबर का है सांची संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना आपकी 1818 में हुई थी, बहुत पुराना संग्रहालय है, लेकिन बाद में अभी इसको केंद्रीय संग्रहालय के तौर पे स्थापित किया गया है। और सांची के बारे में बात की जाए तो सांची पहली सोलर सिटी है, सोलर सिटी, सांची यूनेस्को साइट भी है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के बारे में। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को भोपाल कब स्थानांतरित किया गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1985। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1985। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1954 भोपाल, ऑप्शन बी 1964 भोपाल, ऑप्शन सी 1965 भोपाल, या ऑप्शन डी 1975 भोपाल। तो जल्दी से बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1964 भोपाल। देखिए, मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय पहले भोपाल में 1964 पे स्थापित किया गया था, लेकिन 6 जून 2013 को इसके भवन को परिवर्तित कर दिया जाता है, जो पुराना भवन था उसके स्थान पे नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कब? 6 जून 2013 को। अब इसकी अगर बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय की बात करें, तो मुख्य रूप से जो चौमासा पत्रिका होता है, चौमासा और अनुसंगी, ये जो दो पत्रिकाएं होती है इनका प्रकाशन करता है। और इस जनजाति संग्रहालय की खास बात है कि मध्य प्रदेश की सारी जनजातियों की विशेषताओं का ये वर्णन अपने अंदर करता है। इसमें कई सारी दीर्घाएं हैं, जैसे छत्तीसगढ़ दीर्घा है ना, जीवन दीर्घा है, इस प्रकार इसके कई सारे दीर्घाओं में ये बटा हुआ है, मतलब कई सारी लोबियों में बटा हुआ है, जिन पे इनकी विशेषताओं का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, देश का एकमात्र शहरिया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी श्योपुर। श्योपुर काफ़ी फेमस जगह है कई सारे मामलों को लेके, जैसे भारत का इथोपिया कहा जाता है, किसको? इसी को, श्योपुर को। मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्योपुर में सबसे ज़्यादा कुपोषण देखने को मिलता है। साथ ही श्योपुर में सहरिया रेडियो विकास केंद्र, रेडियो केंद्र है। और सहरिया, इसके अतिरिक्त श्योपुर में आप किसकी जन्मस्थली मानी जाती है? गजानंद माधव मुक्तोद की, गजानंद माधव मुक्ति बोध। और आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में श्योपुर का कौन सा उत्पाद है? अमरूद। तो अमरूद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उत्पाद भी है। और सहरिया जो विकास प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, उसका मुख्यालय भी कहाँ है? श्योपुर में। श्योपुर और किसके लिए फेमस है? अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए थे, उसमें एक चीते का नाम था क्या?
गामिनी। तो गामिनी ने चार शावकों को जन्म दिया था। अभी कूनोपालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर टोटल चीतों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। बीच में आपने सुना होगा 2022 के टाइम पे कि कई सारे 2022-23 के टाइम पे कि कई सारे चीतों की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वो जो थे और आपके दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे वो यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं थे। हालांकि आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया था कि इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, राजस्थान शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आगे चल के देखिए अभी स्थिति सामान्य हो चुकी थी चुकी है क्योंकि हमने मंगाए कितने थे, 20 मंगाए थे और कई सारे चीतों का मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन अभी 26 चीते हो गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्योपुर। अब ये संग्रहालय जो है 1990 में स्थापित हुआ था। डेट अगर पूछ ले पीएससी कब स्थापित हुआ था, 1990 में। सहरिया के बारे में और अगर बात करें थोड़ा सा, तो सहरिया इनके निवास स्थान को क्या बोला जाता है, सहराना। इनके अगर मूल निवास के बात की जाए कहाँ माने जाते हैं, तो शाहबाद माने जाते हैं। शाहबाद का जंगल जो मुख्य रूप से कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान का कोटा वाला क्षेत्र है वहाँ पर शाहबाद जंगल है। इनके मुखिया, इनके जो पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, पटेल। और इस बार पीएससी पूछा था पिछले साल, खुटिया पटेल बोलते हैं, खुटिया पटेल। इनका एक प्रसिद्ध नृत्य होता है दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी और इंद्रपरी, लहगी, ये इनके कुछ नृत्य होते हैं, सरहुल। ये नृत्य किससे संबंधित है, आपके सहरिया जनजात संबंधित है। और सहरिया के विषय में हमने काफ़ी सारी चर्चा इसके पहले भी कर ली है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 जुलाई 1994, ऑप्शन बी 29 जून 1995, या ऑप्शन सी 29 जून 1994, या 12 जुलाई 1995। उसका सही जवाब हो जाएगा 29 जून 1995। आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका जो गठन है एक विधान के रूप में किया गया था, जो एक्ट था उसके तहत किया गया था, इसलिए वैधानिक निकाय है। 1+2 इसके संरचना होती है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष पद रिक्त है, अध्यक्ष पद रिक्त है। जब भर जाएगा तो आप लोग भी अपडेट कर लीजिएगा, जैसे अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे रिक्त है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक में भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय 2008 में गठित हुआ। इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय फेमस है, तो DAV भी, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। भोपाल में कौन सा विश्वविद्यालय फेमस है, तो RGPB और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो ये बात हो गई कुछ किसकी, इस प्रश्न की। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग से के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, हमारे कथन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। फिर दूसरा कथन है, 1965 में इसका नाम बदल करके आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। अब आपको इसके आधार पर उत्तर देना है, कथन केवल एक सत्य है, कथन केवल दो सत्य है, या फिर कथन दोनों सत्य हैं, या फिर दोनों असत्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। इसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि जो जनजाति कल्याण का मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है और जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं किसके संबंध में, जनजातियों के संबंध में, उसमें विभागीय काम कौन देखता है, यही विभाग देखता है। अगर पूछ ले कि कोई जनजाति संबंधी योजनाएं हैं कौन सी विभाग के अंतर्गत आती हैं, तो हरिजन आदिम एवं हरिजन कल्याण विभाग के अंतर्गत। अगला है, क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1980। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1984।
1984 को भोपाल में इसकी स्थापना की जाती है, किसकी? क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की, जो मुख्य रूप से जो जनजाति होते हैं उनके अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगा। और जो अभी एक योजना का आपने नाम सुना होगा, देवारण्य योजना, देवारण्य योजना, इसके प्रोत्साहन में, इसके विकास में इस संस्थान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अब इस योजना के माध्यम से आपको पता है कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना दिया जा रहा है। अगला है, जबलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय स्थित है? हमारे ऑप्शन है रानी दुर्गावती संग्रहालय, राजा शंकर शाह संग्रहालय, श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय, या उपरोक्त सभी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि रानी दुर्गावती संग्रहालय यहाँ पर है, ये बात तो सच हो गई। अब राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जो संग्रहालय, ये भी अभी हाल ही में स्थापित किया गया था, तो ये भी है, ये भी बात सही है। तब दो बात सही हो गई, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आ रहा है, तो उपरोक्त सभी लगा दीजिए। राजा श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय, अभी निजी संग्रहालय है, गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन है, तो तीनों बात क्या है, सही है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, आदिवर्त गांव की मुख्य विशेषताएं हैं, खजुराहो में स्थित है, जनजाति लोक कला का संरक्षण प्रदान करता है, 2001 में स्थापित, या डी उपरोक्त सभी। इसको आदिवर्त संग्रहालय के नाम से भी आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है। अभी जब हमारे इसके पहले मुख्यमंत्री थे वो इस विषय की बहुत चर्चा करते थे, जब भी खजुराहो जाते थे, जब G20 की बैठक हुई थी आपकी खजुराहो में, तो वहाँ पर भी आपने सुना होगा कि आदिवर्त संग्रहालय चर्चा में आया था। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि चर्चा के विषय को ही PSC क्या बना लेता है, कई बार प्रश्न भी बना लेता है, तो चर्चा का विषय था। जैसे नालंदा 2022 की मुख्य परीक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया था। अब क्यों पूछ लिया था? क्योंकि G20 का जो यशो भूमि, जहाँ पर वो हो रहा था, यशो भूमि में, भारत मंडप में, जहाँ पर G20 की बैठक हो रही थी, आपने देखा होगा कि जहाँ पर मोदी जी हाथ मिला रहे थे उसके पीछे नालंदा का चित्र वर्णित था, तो वहीं से भी प्रश्न आ जाता है। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। आदिवर्त गांव क्या है? ऐसे गांव होते हैं जो जनजातियों की संस्कृति को अपने अंदर सजोए रखते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से जो जनजातीय संस्कृति है, मूल संस्कृति है, उसकी जो पहचान है, उसको फिर से एक नई पहचान देना, ना केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर। और जो लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, जो जनजाति संबंधी लोग होते हैं, उनके आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान सुनिश्चित करवाना, ये मुख्य उद्देश्य किसके बारे में है? आदिवर्त गांव के बारे में। तो ये तीनों बातें क्या हैं? सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश, यहाँ पर राज्य लिख दीजिए, राज्य जनजाति संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 जून 2013, ऑप्शन बी 22 जून 2011, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1964, या ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1997। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 जून 2013। अब देखिए, इसके बारे में मैंने क्या बताया कि 1964 में स्थापित हुआ था पुराने भवन में, लेकिन 2013 में इसको नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। 22 जून 2011 की बात की जाए, जिसके बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा की थी, कि जो विमुक्त अर्ध विमुक्त घुमंतू जनजाति के संबंध में प्राधिकरण बना था, ठीक है, कल्याण विकास प्राधिकरण बना था, उसकी स्थापना कब की गई थी? 22 जून 2011 को। उसमें कितनी जनजातियाँ शामिल थी? 51 जनजातियाँ शामिल थी, जिसमें 21 और 30 के रूप में विभक्त थी, विमुक्त जनजाति और घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजाति में विभक्त थी। तो ये बात हो गई किसके बारे में? मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय के बारे में। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किसके अधीन कार्यरत है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत विभाग, ऑप्शन बी जनजाति कल्याण विभाग, ऑप्शन सी आदिवासी लोक कला परिषद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत विभाग। देखिए, कोई भी संग्रहालय हो, चाहे वो आपका केंद्रीय स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, केंद्र स्तर का जो होगा वो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अधीन होगा, राज्य स्तर का होगा, चाहे वो बादल भोई संग्रहालय की बात हो या जनजाति संग्रहालय की बात हो या दुर्गावती संग्रहालय की बात हो या सांची संग्रहालय की बात हो या इंदौर के संग्रहालय की बात हो, सभी किसके अधीन रह के काम करते हैं? संस्कृत विभाग के। क्यों?
क्योंकि संस्कृत विभाग मुख्य रूप से किस में काम करता है, जो हमारी प्राचीन संस्कृत चली आ रही है उनको संरक्षित करने का मुख्य रूप से काम करता है। फिर चाहे वो मेले हों, फिर चाहे वो उत्सव हों, फिर चाहे त्यौहार हों, फिर चाहे हमारी जो वास्तुकला रही हो, फिर हमारी जो साहित्य कला रही हो, फिर हमारी जो चित्रकला रही हो प्राचीन कालीन, उन सबको सजोने का काम कौन करता है? संस्कृत विभाग करता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि संग्रहालय किसके अधीन है? कोई भी संग्रहालय आ जाए वो किसके अधीन काम करेगा? संस्कृति विभाग के ही अधीन काम करेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। दूसरा है, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय की दीर्घाएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवन शैली, ऑप्शन बी कलाबोध, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ दीर्घा, या ऑप्शन डी दासबोध। तो मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय है वो अनेक लॉबियों में बटा हुआ, दीर्घाओं में बटा हुआ है, जिसमें हर जो दीर्घा होती है अपनी एक विशेष पहचान ली हुई रखती है। जैसे जीवन शैली में जीवन जो जनजातियों के संबंध में जो जीवन है उसके बारे में, उनके जो दैनिक जीवन है उनके बारे में जानकारी मिलती है। कलाबोध में उनकी कलाओं की जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ दीर्घा में जो आपकी छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजाति, जैसे अबू झमाड़िया हो गई, बैगा हो गई, उरा हो गई, ऐसे जनजातियों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाए? कौन सा नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? दासबोध। दासबोध, दासबोध एक्चुअल में अगर बात करें तो जो समर्थ रामदास थे, समर्थ रामदास, अभी रामदास के बारे में आपको पता होगा, महाराष्ट्रीय संत हैं और शिवाजी के गुरु हैं। इनकी रचना थी दासबोध, और दासबोध बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है मराठी, और मराठी भाषा में लिखी गई थी। मराठियों का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है दासबोध। तो अगर प्रश्न पूछ लिए, प्रश्न पीएससी कभी ऐसा जरूरत कर ले कि पूछ ले कि दासबोध किसकी रचना है, तो आप लोग समर्थ रामदास उसमें उत्तर लगा देना। अगला है, वान्या प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1983, और ऑप्शन डी 1984। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1980। और कहाँ से प्रकाशन प्रारंभ होता है? भोपाल से। यह मुख्य रूप से जो जनजाति संबंधी जो प्रकाशन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति प्रकाशन नहीं है? अब देखिए, प्रकाशन कई सारे हैं जनजातियों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के संबंध में कई सारे प्रकाशन किए गए हैं। तो हम ये पूरी फैक्ट की बात हो जाती है, अब इस चीज़ को आपको रटना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए अगर यह 2017 भीली व्याकरण, भीली हिंदी शब्दकोश, ये सब क्या है? प्रकाशन है। तो आप इन सब चीज़ों को, आप रटना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो मैं इसीलिए ऐसे प्रश्न बनाया हूँ ताकि यहाँ पर इनकी चर्चा भी हो जाए और जो नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे, तो जो हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मान लीजिए कभी प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि कौन सा प्रकाशन है या कौन सा नहीं है, तो आप इसको कॉमन सेंस लगा के उसका एलिमिनेशन करके सही कर लें। तो इसमें लिखा है कौन सा प्रकाशन नहीं है, तो अगर यह 2017 है, बिल्कुल है, भीली व्याकरण ये भी है, भीली हिंदी शब्दकोश ये भी है, तो तीन तो है। अब कोल शब्दकोश जैसा कोई ऐसा प्रकाशन अभी नहीं बना है, आगे चल के बन सकता है, प्रकाशन दिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा प्रकाशन नहीं है। अब कोल की अगर बात करें तो कोल मुख्य रूप से रीवा सतना वाले क्षेत्रों में निवास करती हैं, और इनकी जो भाषा होती है वो बघेली होती है, बघेली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति प्रकाशन नहीं है? हमारे ऑप्शन है, कोरको हिंदी शब्दकोश, कोरको व्याकरण, मध्य प्रदेश की औषधि वनस्पति, या ऑप्शन डी प्रादर्श। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीन जो है, कोरकू हिंदी शब्दकोश, कोरकू व्याकरण और मध्य प्रदेश की औषधि वनस्पति, ये सब क्या कहलाते हैं? मध्य प्रदेश के प्रकाशन हैं। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति प्रकाशन नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिखिंद्रा, ऑप्शन बी गोंड पेंटिंग, ऑप्शन सी आदिवासी धरोहर, या ऑप्शन डी रानी दुर्गावती शोध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रानी दुर्गावती शोध। तो देखिए, लिखिंद्रा किसके लिए होता है? गोंड कलाकारों के लिए होता है। गोंड पेंटिंग भी एक तरह का प्रकाशन है जिसमें गोंड के प्रमुख कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को दर्शाया जाता है, और अभी आपको पता ही है गोंड पेंटिंग को क्या मिल चुका है, GI टैग भी मिल चुका है। और आदिवासी धरोहर ये भी मुख्य सबसे बड़ा जो प्रकाशन है, आदिवासी धरोहर का माना जाता है, क्योंकि इस प्रकाशन के माध्यम से आपको विभिन्न जो जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती हैं सभी की संस्कृति और कला को दर्शाया जाता है, उनकी धरोहरों को दर्शाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रानी दुर्गावती शोध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति प्रकाशन है? तो यहाँ पर नहीं है नहीं लिखा है, कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, संग्रहालय प्रादर्श 2020, परंपरागत जनजाति बांस शिल्पकला 2020, मवासी जनजाति के पारंपरिक लोकगीत 2021,
मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य 2021 या उपरोक्त सभी। तो आप बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। पीएससी की खासियत होती है, अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन आता है तो उसको लगा दिया करिएगा, अगर नहीं आता है चीज़ें तब। देखिए प्रकाशन, मैंने बोला कि ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप चाहो कि नहीं इसको कोई आपके दिमाग में चढ़ा दे, है ना, मैं आपको दम घोटी जैसे घोट के पिला दूं, तो ऐसा नहीं होगा। इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। आप नेट से निकालो कौन कौन से प्रकाशन है, पूरा एक लिस्ट पूरी निकल जाएगी, उस लिस्ट को पढ़ लीजिए। कोई कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल कठिन कार्य नहीं है। आप इस लिस्ट को पढ़ लीजिए और बहुत ही आसान है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है जनजाति, जो यूनिट 10 है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसने सिलेबस इतना अच्छे से खोल दिया है। पहले इस प्रकार से जनजाति को खोला नहीं गया था कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछेगा, अब तो बता दिया है कि जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, हाँ वहाँ से प्रश्न आएगा। कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वहाँ से प्रश्न आएगा। फिर इनके संबंध में जो संस्थान है, संग्रहालय है, इनके संबंध में आएगा। जनजाति व्यक्तित्व संबंध में प्रश्न आएगा। तो सिलेबस तो पूरा ओपन हो चुका है, अब अपने को भटकना क्या है, यही चीज़ तो करना है। तो हमारी मेहनत तो आधी कर दी है ना पीएससी ने। सिलेबस बहुत लोगों को कठिन लग रहा होगा, कुछ मानता हूँ कुछ चैप्टर कठिन है सिलेबस के, पर इतना भी कठिन नहीं है, आराम से किया जा सकता है, और अभी तो समय काफ़ी है आपके पास। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों के प्रकाशन का कार्यभार किसे सौंपा गया है। हमारे ऑप्शन है जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, ऑप्शन बी आदिवासी लोक कला संस्थान, या ऑप्शन सी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, डी आदिवासी कला परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, जिसकी पहले स्थापना कहाँ की गई थी, 1954 में छिंदवाड़ा में, लेकिन आगे चल के इसको कहाँ स्थापित कर दिया जाता है, 1965 में भोपाल में स्थापित कर दिया जाता है। और यही संस्था जितने भी प्रकाशन होते हैं, चाहे आदिवासी धरोहर हो, चाहे गोंड व्याकरण हो, गोंड शब्दकोश हो, भीली व्याकरण, भीली शब्दकोश, कोरकू शब्दकोश, गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश जनजाति नृत्य 2021, और इसके अतिरिक्त मवासी जनजातियों के नृत्य शैली जो 2020 था, इन सब मंद में जितने भी संग्रहालय, जितने भी प्रकाशन है, किसके माध्यम से किया जाता है, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था। तो दोस्तों ये हमारी सामान्य सी चर्चा किस पे हुई, मध्य प्रदेश के प्रकाशन और जो संस्थान है, जो संग्रहालय है, उन पे लेके हो गई। मुझे लगता है कि इससे अतिरिक्त कहीं भी कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के जनजाति संग्रहालय संस्थान और प्रकाशन, तो हम मध्य प्रदेश के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सबको इसके अंतर्गत कवर कर लिया है, और साथ ही इसके ऊपर नीचे जो भी चर्चा हो सकती थी हमने देख ली है। चलिए फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।